हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम सो गाइस हाउ आर यू ऑल आई होप यूर आर वेल हैप्पी हेल्दी एंड एंजॉइंग सो लेट्स स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ अनदर चैप्टर ऑफ क्लास टेन दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अभी जो लास्ट चैप्टर हमने किया था वो क्या था इलेक्ट्रिसिटी सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट और अलग अलग अप्लायंस को जब हम किसी सर्किट में ऐड करते हैं तो हाउ डज द इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था एक इफेक्ट हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक करंट दैट वाज हीटिंग इफेक्ट कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी चीज़ से पास हो रहा होता है तो डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस उसमें कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है और वो हीट हम कैसे कैलकुलेट करते थे आई स्क्वायेर आर इंटू टी से और अगर पावर की हम बात करें पावर डिसिपेशन की तो वो कितना होता था आई स्क्र आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी इंटू आई एंड इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दी हीट जनरेटेड या हीट डिसिपेटेड वॉट वी यूज टू डू आई स्क्वायेयर आर इंटू टी या फिर वी स्क्वेर बाई आर इंटू टी या फिर वी इंटू आई इंटू टी सो दिस वॉज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है अलग से क्या इफेक्ट है दैट वॉज हीटिंग इफेक्ट अब क्या इसके अलावा कोई और इफेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है क्या सो यस दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट अब इस चीज की जो की जो खोज है कहना चाहिए वो खोज हम लोगों ने इंटेंशनली नहीं की वो खोज हो गई जो हैंस क्रिश्चियन स्टेड हैं उन्होंने वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है अगर उसके वायर के पास से आप जो अपना मैग्नेटिक कंपास होता है मैग्नेटिक निडल जो होता है उसको अगर आप उसके पास से लेकर के जाते हो तो वॉट इट शोज सम डिफ्लेक्शन वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है अगर ऐसी बात है अगर वो डिफ़्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट रहा होगा उसने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास है वो तो मैग्नेट के आसपास ही डिफ्लेक्ट होता है ना इसका मतलब देर वॉज डिफ्लेक्शन देर वॉज सम मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करेंट तो इसी की उन्होंने स्टडी आगे की फिर और फिर वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अब इसका जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो बेसिकली आपने क्या देखा कि अगर आपके इलेक्ट्रिक करंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इसका मतलब अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है तो वहाँ पे करंट जनरेट किया जा सकता है क्या जब करंट मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट करेंट बना सकता है क्या सो द आंसर इज़ यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट वी यूज इन द इलेक्ट्रो इंडक्शन जो कि आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बाकी आप बहुत कुछ ट्वेल्थ में पढ़ेंगे सो डेफिनेटली दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और इस पूरे को मिला करके हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिज़म तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इंटर रिलेटेड हैं ठीक है तो अगर आपके पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट बनाया जा सकता है ये चीज़ हम यूज़ करते हैं मोटर में मोटर में हम लोग क्या करते हैं करंट फ्लो कराते हैं उससे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जनरेट होता है जनरेटर में इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं और वहाँ से करेंट डेवलप होता है ठीक है सो दीज आर द थिंग्स जो कि इंटर रिलेटेड हैं और इसके बारे में हम अभी कुछ पढ़ेंगे और बाकी जो डिटेल में चीजें हैं वो हम लोग ट्वेल्थ में जाकर के ट्वेल्थ में तो पूरा आपके पास ब्रांच रहेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म विल बी अ ब्रांच जिसमें आपके छः सात चैप्टर्स रहेंगे तो इतना डिटेल में रहेगा अभी आपका सिर्फ दो चैप्टर में खत्म कर दिया है सो लेट्स बेसिकली लेट्स स्टार्ट तो क्या देखा गया पहले जो एक्सपेरिमेंट किया हैं क्रिश्चन ऑरेंस्टेड ने तो वो क्या था कि आपके पास एक सर्किट है एज इट इज़ जैसे हमने पिछले केस में सर्किट बनाया है और उस सर्किट में जैसे यहाँ पे आप खुद एक्टिविटी कर सकते हैं शायद आपको स्कूल में कराया भी जाए तो यहाँ पे अगर आपने एक वायर रखा है ठीक है अलग से थिक वायर यहाँ पे कॉपर का वायर लिया और इसको एक सर्किट में आपने कनेक्ट किया एक सर्किट में कनेक्ट किया और आपने ऑब्जर्व किया ठीक है यहाँ पर करेंट करेंट विल फ्लो लाइक दिस तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक निडल ला करके रखा गया ठीक है मैग्नेटिक निडल जब ला करके रखा गया तो मैग्नेटिक निडल ने इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो मैग्नेटिक निडल क्या शो करता है इट इसका जो एरो uh, है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स दी नॉर्थ डायरेक्शन है ना हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होते हैं तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स दी नॉर्थ डायरेक्शन जब इसके पास लाया गया तो वहाँ पर उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो किया ठीक है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों शो करता है वो सब चीज़ें हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से अर्थ में भी कुछ मैग्नेटिज्म होता है अर्थ के मैग्नेटिज्म की, की वजह से ये जो निडल है ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है और हमें पता है कि जब हमारे पास दो मैग्नेट्स होती हैं ये तो आपने देखा ही होगा ना आपके पास बार मैग्नेट है हॉर्स शू मैग्नेट है घर में खेला होगा आपने सो इफ़ यू हैव मैग्नेट दो मैग्नेट अगर आपके पास हैं दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं या फिर आप कह सकते हो दो पोल्स होते हैं जब आप सेम टाइप के पोल्स को साथ में लाते हो तो वो रिपेल करते हैं ऑपोजिट पोल्स को साथ में लाते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं ये आपने खेला होगा सो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है तो दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेट कंपस जो है मैग्नेटिक कंपस जो है इट इज ऑल्सो अ मैग्नेट और जो अर्थ है अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट क्लियर है तो उनके बीच में भी वही प्रोसेस होती है एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है तो यहां पे पहले तो ये अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से बिहेव करेगा कुछ लेकिन जब आप इसको इसके पास लाओगे इस वायर के पास जब लेकर के आओगे तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा दैट डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस वायर इस वायर में क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है अगर इसमें कोई करंट फ्लो ना हो आपने इस स्विच को मान लो बंद कर दिया ठीक है इफ़ दिस इज़ ओपन अब उस केस में क्या होगा उस केस में देर इज़ नो करंट तब क्या होगा सिंपली अगर कंपस uh, यहाँ रखा था उस टाइम जिस तरीके से उसका ओरिएंटेशन था यहाँ पे भी रखोगे तो वैसा ही रहेगा बट इफ़ यू स्विच ऑन दी स्विच ऑन इसमें करंट अगर आप फ्लो कराते हो तो फिर यहाँ यू विल सी सम डिफ्लेक्शन वाई इट इज़ दैट दिस इज़ ड्यू टू दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अब जब ये ऑब्जर्वेशन देखा गया तो फिर उसके बारे में और भी ज़्यादा स्टडीज़ की गई ठीक है कि ये मैग्नेटिज्म जो करंट है उसकी जैसे मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट हो रहा है फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे जो नॉर्मल हमारे पास बार मैग्नेट होती हैं जो ये तो क्या है ये मैग्नेट ड्यू टू करंट है सिंपली जो हमारे पास मैग्नेट्स होती हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा आपने साउंड साउंड बॉक्स जो होता है स्पीकर उसमें भी मैग्नेट्स होती हैं तो ये मैग्नेट्स भी आपने देखे होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होता है उनसे रिलेटेड कुछ फील्ड लाइन्स होती हैं फील्ड मैंने आपको चलो शायद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि कोई भी चार्ज अपने आसपास अपना एक एरिया बना लेता है कि दिस इज़ माई माई जोन दिस इज़ माई रीजन तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वैसे ही किसी भी मैग्नेट का एक उसका एरिया होता है जहाँ पे वो बॉस होता है जहाँ पे उसकी चलती है या या फिर जहाँ पे उसके मैग्नेटिक फील्ड की चलती है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की चलती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उन मैग्नेटिक फील्ड की करस्पॉन्डिंग लाइन्स होती हैं कि भाई अगर हम किसी मैग्नेट के पास गए तो कहाँ पर खड़े होंगे तो किस तरफ फोर्स लगेगा लेट्स से आई एम अ मैग्नेट ठीक है एंड वी आर आई एम गोइंग टू नियर दी अनदर मैग्नेट तो वहाँ पर किस तरह का मुझ पर फोर्स लगेगा तो ये सारी चीज़ें इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें देखना होगा सो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन तो पहली चीज़ तो क्या देखा गया पहला ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि अगर करंट फ्लो हो रहा है इट विल शो सम डिफ्लेक्शन इसका मतलब ये क्या कर रहा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जनरेट कर रहा है दूसरी चीज़ दूसरा एक्सपेरिमेंट अब अगर आपको ये देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है या जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किस तरह का होता है तो उसके लिए आप क्या करो अनदर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी क्या है कि एक पेपर पे एक प्लेन पेपर पे एक बार मैग्नेट को फिक्स कर दो लिट से दिस इज़ नॉर्थ पोल दिस इज़ साउथ पोल एक बार मैग्नेट को बार मैग्नेट मतलब ऐसे क्यूबिक क्यूबॉइडल शेप का मैग्नेट है उसको आप ऐसे यहाँ पे फिक्स कर दो थोड़ा सा बड़ा पेपर ले सकते हैं किसी टेबल पे फिक्स कर दिया और उसके आसपास हमें पता है कि जो बार मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है तो आयरन का अगर आप एकदम पाउडर टाइप का बना लो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स क्लियर है और उसको यहाँ पे अगर आप डालोगे तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखोगे जो इसको आपने यहाँ फ़िक्स कर दिया उसके बाद यहाँ पे आपने इसके ऊपर इस एरिया में आपने डाला आयरन का पाउडर तो दो स्मॉल स्मॉल डस्ट ऑफ आयरन वो अपने आप को यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बना लेंगे और वो ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का दिखेगा आपके बुक में भी होगा स्टेट बोर्ड हो चाहे सी बोर्ड हो किसी भी तरह का बोर्ड हो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन आपको दिखाई देगा यहां पे एकदम घना घना और फिर यहां पे कुछ इस तरीके से ठीक है दिस इज दी ओरिएंटेशन तो यहां पे ये जो है ये ये शो करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है जो सारे के सारे जो आयरन के जो डस्ट है आयरन की जो डस्ट है, है अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेगी यहाँ पे बहुत घना घना मतलब डेंस और फिर यहाँ पे एकदम लाइट लाइट सा यहाँ पे एकदम डेंस सा सो दिस इज़ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अब इन्हीं को और एक तरीका और एक तरीका क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को समझने का तो पहली चीज़ तो ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हैं भाई कोई भी एक मैग्नेट है कैसे भी मैग्नेट हो सकती है बार मैग्नेट हो सकती है बार मैग्नेट मतलब ऐसी वाली हॉर्स शू मैग्नेट मतलब ऐसी वाली ठीक है दिस इज बार मैग्नेट बार मैग्नेट एंड दिस वन इज हॉर्स शू मैग्नेट ठीक है इसमें लेट्स से दिस इज साउथ पोल दिस इज नॉर्थ पोल ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लाइक दैट तो यहां पे क्या है ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल तो हर मैग्नेट का अपना कुछ फील्ड होता है ठीक है और हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो अर्थ है अर्थ भी एक मैग्नेट है उसमें भी दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इस मैग्नेट को अगर आप हजार पीसेज में भी कट कर दो लेट्स से आपके पास एक बड़ी सी बार मैग्नेट थी ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल इसको मैंने दो पीसेज में कट कर दिया ठीक है दो पीसेस में कट कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा साउथ पोल बन जाएगा ये पूरा का पूरा नॉर्थ पोल बन जाएगा दिस मैग्नेट विल बी अनदर ये खुद एक नया मैग्नेट बन जाएगा ये भी खुद एक नया मैग्नेट बन जाएगा ये नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा सो दिस इज अ न्यू मैग्नेट दिस इज अ न्यू मैग्नेट फिर इसको आपने दो पीस में कन्वर्ट कट कि, uh, किया तो फिर क्या होगा ये नॉर्थ है तो ये साउथ ये साउथ है तो ये नॉर्थ फिर यहाँ पे भी ये साउथ ये नॉर्थ ये नॉर्थ ये साउथ अगेन इसको कट किया सबको दो दो पीस में फिर से आपके पास न्यू पेयर ऑफ मैग्नेट्स हैं तो ये क्या है साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ उसके बाद साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ फिर यहाँ पे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ लाइक दैट इसके आप पीसेस करते जाओ हर एक पीस एक नया मैग्नेट होगा उसी तरीके से यहाँ पे हर छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एवरी स्मॉल पार्टिकल हर एक छोटे पार्टिकल का एक साउथ पोल होगा एक नॉर्थ पोल होगा हर एक छोटे पार्टिकल का एक साउथ पोल होगा सॉरी ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा क्यों मैंने ऐसा किया ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल क्योंकि नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ तो साउथ विल पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट्स साउथ तो ये साउथ नॉर्थ विल पॉइंट टूवर्ड्स साउथ क्लियर है तो इस तरीके से ओरिएंट होगा तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं उसको देखने का ये तरीका है कुछ इस तरह की होती हैं अब उसके बाद भी और एक तरीका क्या है कि आप एक बार मैग्नेट लो ठीक है एक बार मैग्नेट लिया दिस इज साउथ पोल दिस इज नॉर्थ पोल सो मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास रखेंगे तो जब आप यहाँ रखोगे तो सोच के देखो नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ इस साइड होगा साउथ इस साइड होगा क्लियर है अब आपको इसको इस निडल को उठाना है और एक नई पोजीशन पे रखना है नई पोजीशन पे ऐसे रखना है कि जिस जगह पे नॉर्थ पोल पहले पॉइंट कर रहा था जो निडल का जो टिप था वो जिस जगह पे था यहाँ पे आप क्या रखो नई पोजीशन जो रखोगे तो यहाँ पे आप साउथ पोल को रख देना है ना इसको यहाँ पे रख देना उठा करके वहाँ अब ये वाली पोजिशन तो खाली हो गई ना उठा दिए वहाँ से फिर ये क्या होगा ये इस तरीके से पॉइंट करेगा सो ऐसे करते 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 जब हम यहाँ लेकर के आएंगे तो वी विल सी कि जो ये जो निडल है ये जो निडल है ना वो कुछ इस तरीके से पॉइंट करती हुई दिखाई देगी ठीक है और इससे हमें पता चलेगा कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे हर और भी जगह पे करोगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा और उससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है इट इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल से निकलती हैं ठीक है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और इमरजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मर्ज हो जाती हैं साउथ पोल पे मर्ज हो जाती हैं जैसे इसको अगर हम कंप्लीट करें तो यहाँ से एक और शुरू निकाला तो इस तरीके से ठीक है ऐसे होती है ऐसा होता है डायरेक्शन नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल पे पहुँचा नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल पे पहुँचा इसके बाद इन साइड दी मैगनेट ये तो हो गया आउटसाइड दी मैग्नेट कैसे है नॉर्थ से साउथ नॉर्थ टू 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 साउथ ठीक है इमर्जिंग फ्रॉम हियर एंड इमर्जिंग एट साउथ पोल अब अगर हम बात करें इन साइड द मैगनेट ये तो हो गया आउट साइड द मैगनेट आउटसाइड द मैगनेट ये सीन है नॉर्थ टू साउथ लेकिन इन साइड द मैग्नेट कैसा होता है साउथ टू नॉर्थ ये पूरा एक कंप्लीट लूप बनाती है क्लोज लूप यहाँ पर देखो एक क्लोज लूप ठीक है क्लोज लूप क्लोज्ड लूप क्लोज लूप क्लोज लूप इस तरीके से ठीक इनसाइड कैसा है साउथ टू नॉर्थ सो इन साइड मैग्नेट इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन क्या है साउथ टू नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दी मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ तो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बेसिकली क्या है दिस इज दी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट कोई भी एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट पे एक फोर्स लगाता है अब वो फोर्स किस तरफ लगेगा किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सो फील्ड लाइन्स किसी भी फोर्स की जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की भी बात की थी थोड़ा सा ही बात किया था बट हमने थोड़ी उस बारे में बात की थी तो फील्ड लाइन्स आर बेसिकली शोज अज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इन द रीजन ऑफ द थिंग विच इज प्रोड्यूसिंग द फोर्स जैसे कि यहाँ पे ये मैग्नेट है जो कि उस फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो फोर्स को इस रीजन में किस डायरेक्शन में आ, क्या कहना चाहिए किस डायरेक्शन में इट विल अप्लाई द फोर्स ऑन अ मैग्नेट केप्ट इन देयर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता जिसमें मैग्नेट नहीं है तो उस पर यह फोर्स लगाएगा ही नहीं लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है अगर उस ऑब्जेक्ट को ला करके आप यहाँ कहीं रखते हो जैसे कि निडल मैग्नेटिक निडल को अगर आप यहाँ ला करके रखते हो तो यहां पे क्या होगा नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ तो यहां पे कैसा हो जाएगा ये नॉर्थ साइड ऑफ द निडल विल पॉइंट टूवर्ड्स दिस एंड साउथ विल पॉइंट टूअर्ड्स दिस अगर यहां पे रखते हो तो क्या होगा इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा यहां पे रखते हो तो कैसे होगा ऐसे ओरिएंट हो जाएगा सो बेसिकली कंपास जो है वो आपको बताएगा कंपस जिस तरीके से ओरिएंट होता है ना दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हियर इट इज इन दिस डायरेक्शन तो बेसिकली और हम क्या बोल सकते हैं इट इज टेंजेंशियल ठीक है टेंजेंशियल जैसे यहाँ पे क्या है इस तरीके से टेंजेंशियल तो यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना पड़ेगा और यहाँ पे जब कंपास रखोगे तो इट विल पॉइंट लाइक दिस यहाँ पे रखोगे तो इट विल पॉइंट लाइक दिस सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव यू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जैसे अगर आप यहाँ पे देखो इस रीजन में अगर आप देखो तो फील्ड लाइन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर द गैप बिटवीन फील्ड लाइन्स इज मच मोर देन एट द पोल अगर आप पोल पे देखो तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और यहाँ पे फील्ड लाइन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर है ना तो जब भी जहां पे भी फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज अगर फील्ड लाइन्स बहुत ज्यादा क्लोज है इसका मतलब वहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब फील्ड की ताकत है ना जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेक करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस लाइंस इज फर्स्ट मोर इट मीन्स मोर मैग्नेटिक मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर लेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लेस डेंस डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर लेस है इसका मतलब लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्लियर है ये चीज तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है हमें उसकी डेंसिटी देखने से जैसे यहाँ पे क्या है पोल्स पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखिए देखो ना क्लोज क्लोज है एकदम यहाँ पे भी क्लोज क्लोज है यहाँ पे अगर देखो तो फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर फार अवे फ्रॉम ईच अदर तो यहाँ पोल्स पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई ठीक है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई तो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या पता चला आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट थिंग आपको फोर्स का डायरेक्शन देगी कि यहां पे किस तरीके से फोर्स होगा और आपको यह भी बताएगा कि इस रीजन में उसका फील्ड उसका भाई कोई भी जो मैग्नेट है उसका कुछ फील्ड होता है और उसके फील्ड का किस तरीके से डायरेक्शन होगा वो हमें फील्ड लाइन से पता चलता है यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट्स पे अगर आप मैग्नेट नेडल रखते हो तो आपको ये इसी डायरेक्शन में अगर आपने यहाँ रखा तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे रखा तो इस डायरेक्शन में इट विल शो यू दी डिफ्लेक्शन क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मोर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ लेस अब अच्छा ये बताओ कि किसी भी एक कोई भी एक अगर हम पॉइंट लें या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट कर सकती हैं क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ गई तो यहाँ पर कट कर रही है और यहाँ पर भी कट कर रही है क्या ये पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट करें एक दूसरे को एक बार सोच के देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट कर सकती हैं एक दूसरे को एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को कट कर सकती है क्या सोच के देखो पॉज दी वीडियो एंड द आंसर इज नो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लो कट किया जैसे यहाँ पे कट किया मैं सिर्फ इतने पार्ट को ड्रॉ कर रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने कट किया ठीक है दिस वॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वन दिस वॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू अब इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ये देखो इसमें डायरेक्शन ऐसा है इसमें डायरेक्शन ऐसा है यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा अब इस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक डिडल को रखते हो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन उसको डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो करना चाहिए इस डायरेक्शन में शो करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दिस लाइन उसको इस डायरेक्शन में शो करना चाहिए लेकिन सीधी सी बात है मैग्नेटिक नीडल किसी एक डायरेक्शन में शो करेगा ठीक है तो ये यहां से हमें रिजल्ट पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर हमेशा Uh, कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल है वो किस डायरेक्शन में शो करेगा भाई डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप कहीं पे भी रख दो तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन uh, शो करता है इट विल शो यू द डिफ्लेक्शन इन विच डायरेक्शन टेंजेंशियल उस पॉइंट पर टेंजेंशियली इट विल शो यू द डिफ्लेक्शन और अगर आपने दो लाइन को कट अगर हमने ये माना कि दो लाइन्स कट करेंगी इसका मतलब इधर भी शो करेगा इधर भी शो करेगा सो दैट इज़ रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं सो दिस इज़ अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी कट नहीं करेंगी पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी इनसाइड दी मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ आउटसाइड दी मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ क्लियर है ये चीज़ एंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं यहाँ पे देखो इस इस फील्ड लाइन की भी अगर आप बात कर अगर आप बात करो तो ये पूरा का पूरा एक क्लोज लूप बना रही हैं ठीक है इट विल फॉर्म दी क्लोज लूप एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल फॉर्म दी क्लोज लूप ठीक है और अंदर साउथ टू नॉर्थ बाहर नॉर्थ टू साउथ सो आई विल जस्ट ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वंस इन अ प्रॉपर वे थोड़ा सा यहाँ पे एकदम कचरे की तरह है सो so दैट आप अच्छे से उसको बना पाओ सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर हम किसी बार मैग्नेट के लिए बनाते हैं तो दिस इज़ दी साउथ पोल दिस इज नॉर्थ पोल यहाँ पे इनसाइड कैसे होंगी कुछ तीन चार पाँच बना लेंगे थ्री फोर एंड ये फाइव है ना सो so, दिस इज़ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिस इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस वन इज़ द मिडल वन उसके बाद ये बाहर गई ये फिर बाहर गई एंड दीज टू आर मीटिंग ठीक है सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप और भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैंने इतनी बनाई हैं आप और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना सकते हैं यहाँ पर भी एक और आप सो देर आर सो मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बट चीज क्या है कि यहां पे नॉर्थ से निकलेंगी इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्जिंग एट दी साउथ और यहां पे डायरेक्शन क्या होगा यही नॉर्थ टू साउथ 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 एंड इन साइड इट विल बी साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप और भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अपने यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने और नहीं बनाया सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और अभी तो हमने ये बार मैग्नेट के बारे में बात की है बट हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके बारे में भी हम और बातें करेंगे और एक्टिविटीज़ हम करेंगे ऑब्वियसली एक्टिविटीज सारी की सारी यहाँ थेरेटिकल हो रही है लेकिन आपको लैब में कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा तो प्लीज़ आस्क योर टीचर्स टू तो परफॉर्म दी एक्टिविटीज़ इन दी लैब ताकि आपको चीज़ें याद रहें और इसके बारे में डिटेल में वैसे भी ट्वेल्थ में हम पढ़ने वाले हैं अभी हम हम लोग एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं सो आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर वट एवर आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्लास थैंक यू